आप दाउदखेल कोल ट्रेन मल्टीपल कपल लोकोमोटिव ZCU-20-6408 प्लस ZCU-20-6424 के साथ सनावा लेवल क्रॉसिंग के करीब पहुंच रही है, और ये वही लोकोमोटिव्स हैं जो कि तकरीबन 3 घंटे पहले सनावा से पास हुए हैं। उस वक्त जो है ये ट्रेन और थी, ठीक है, यानी उस वक्त ट्रेन खाली थी और अब लोडेड है। उस वक्त खाली ट्रेन थी डाउन ZBK स्पेशल, यानी उस वक्त ये लोकोमोटिव जो है इस साइड से आए थे, यानी डाउन साइड से, अब ये आ रहे हैं अप साइड से लोडेड गाड़ी के साथ। उस वक्त डाउन साइड से अक्सर जो ट्रेन आती है वो खाली होती है, तो उस वक्त ZBK थी दाउदखेल कोल ट्रेन का एम्प्टी रेक था, अब ये दाउदखेल कोल ट्रेन के साथ ही आ रही है, यानी लोडेड ट्रेन के साथ 3300 टन का लोड खींच के। तो इस ट्रेन के साथ पीछे कौन सी पावर आई है ये आपको बताता हूँ। तो फिलहाल आप जो है ना ZCU-20-6408 की वाइट लाइट्स देखें कैसे खूबसूरत लग रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेन जो है कल चली थी डाउन ZBK-6424+6408 के साथ कुंदिया से 6:30 बजे, कल शाम को 6:30 बजे चली थी। तो इंजन जो है कल इस टाइम यानी 2:30 बजे शेड कुंदिया शेड में स्टार्ट थे, ठीक है। कल 2:30 से लेकर आज 2:30 तक 24 घंटे हो चुके हैं ये दोनों इंजन जो है नॉन स्टॉप वर्किंग कर रहे हैं 6408+6424, ठीक है। अब इनकी वर्किंग सनावा तक 24 घंटे हो चुकी है, यानी एक दिन से ये अनलिमिटेड वर्किंग कर रहे हैं, यानी इनको शट डाउन भी नहीं किया गया। तो ये देखें आप इसके ZCU-20 जैसे GU-40 के लोग 3-3 दिन जो है ना स्टार्ट रहते हैं और वर्किंग करते हैं नॉन स्टॉप, तो अब ZCU-20 के जो कपल बनाए हैं उनके साथ भी यही काम किया जा रहा है। तो कल इस टाइम 2:30 बजे यानी कि इंजन जो है कुंदिया शेड में स्टार्ट थे, 6:30 बजे गाड़ी का डिपार्चर हुआ है कल शाम को डाउन ZBK का, और सुबह ये 12:15 बजे सनावा से पास हुए थे, 11:15 बजे डाउन ZBK के साथ महमूदकोट पहुँचे हैं। तो फिर ये पावरें अलग कर दी गई हैं, और जिस ट्रेन के साथ ये ZBK के साथ यानी कि आ रहे थे उस ट्रेन के साथ आगे लगाई है GU-40-90-46-9-46, और ये पावरें कट कर दी हैं। उधर से जो DKL कोल ट्रेन के साथ पावर आ रही थी 9-40 उसको महमूदकोट लोको शेड में ठहरा के यही पावरें अगेन अब DKL कोल ट्रेन के साथ कुंदिया भेजी जा रही हैं, ठीक है। तो लगभग ये कुंदिया पहुँचेगी गाड़ी तकरीबन 15 से 20 घंटों के बाद, 15 से 20 घंटे के बाद इस कपल लोकोमोटिव की वर्किंग हो जाएगी तकरीबन 48 घंटे। तो आप खुद सोचें जो मल्टीपल यूनिट्स लोकोमोटिव 2 दिन से नॉन स्टॉप वर्किंग कर रहे हो तो उनकी मशीनरी पर क्या असर पड़ेगा। तो ये तो बात अब पाकिस्तान रेलवे की मर्ज़ी है, यानी पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर्स ही अच्छी तरह जानते हैं, हो सकता है कि लोकोमोटिव को इस तरह चलाने से उनका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, यानी लोकोमोटिव की मशीनरी को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो कि 2-2 दिन इंजन जो है नॉन स्टॉप वर्किंग करें, फिर दो यानी कि रेस्ट किए उनको, इंजन को बंद किए। तो अब हम देखते हैं DKL कोल ट्रेन ZCU-20-6408 फ्रंट पे है अब, और 6424 जो है वो बैक इंजन है, और दोनों जो है स्टार्ट है वर्किंग में। तो जब डाउन साइड से गई थी तो उस वक्त 6424 आगे था, 6408 पीछे था, अब 8 आगे 24 पीछे। तो ये हमें जो है ना थाल एक्सप्रेस की याद दिलवा रहे हैं ZCU-20 के लोकोमोटिव, यानी जब ये थाल एक्सप्रेस लगा करते थे, तो जब से ये थाल एक्सप्रेस कट हुए हैं तो आप हम इनको जो है ना जी भर कर देख रहे हैं, जब से ये मल्टीपल यूनिट के तौर पर वर्किंग कर रहे हैं। तो देखते हैं फिर DKL कोल ट्रेन 3300 टन वाली गाड़ी दो इंजनों के साथ, दोनों इंजन जो हैं वो एक साथ जो है ज़ोर लगा रहे हैं। और इनकी हार्स पावर जो है वो 4000 से ज़्यादा है, यानी GU-40 लोकोमोटिव से भी ज़्यादा पावरफुल इस टाइम है ये। GU-40 का एक लोकोमोटिव 3300 टन की गाड़ी खींच सकता है, और इसके दो जोर लगा रहे हैं इकट्ठे ZCU-20 के। अगर ये अकेला ZCU-20-6408 जैसे आगे लगा हुआ है ये होता तो इस टाइम गाड़ी का लोड होता सिर्फ 2000 टन, यानी कोचेज इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 26 या 27 होती, लेकिन अब तो 41 यानी 40 कोचेज लगी हुई हैं, 39 होगी सॉरी, एक इंजन साथ है ना, टोटल 41-82 का लोड अला हुआ है। तो दो इंजन हो गए, 38 ZBK वैगन्स लोडेड विद कोल और एक ZNRV, टोटल 41:82 यानी 3300 टन। तो कुंदिया से यानी दाउदखेल पहुँचने तक इन लोकोमोटिव की वर्किंग तकरीबन 2 दिन हो जाएगी, यानी 48 घंटे ये नॉन स्टॉप वर्किंग करेंगे। ये मल्टीपल यूनिट इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि GU-40 लोकोमोटिव की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कोल ट्रेनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और
फिर पाकिस्तान रेलवे वाले भी यही कहते हैं कि हम जी U40 को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें, यानी एक्सप्रेस पे गुड्स पे इतनी गुड्स चल रही हैं, तो फिर इनको जो है ना मल्टीपल यूनिट बनाकर इनसे गुजारा भी चलाया जा रहा है। GU40 90-40 को एक लिहाज से पाकिस्तान रेलवे इनकी सोच अच्छी है, एक लिहाज से GU40 को इसलिए भी वापस भेजा गया क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो वापसी वो जल्द अज जल्द जो है वो वापसी अपने होम छट जाएगा कराची, वहाँ से न्यू टास्क के लिए। तो ये जो छोटी हार्स पावर वाले इंजन है वो हमारे सेक्शन पर चल रहे हैं, ये भी खुशी की बात है, हम ZCU20 के लोकोमोटिव देख रहे हैं। और इस ट्रेन का सारा रेक जो है वो ZBKH में है, ZBKH रेक का सारा ट्रेन अभी बहुत स्लो रही है। वेरी लॉन्ग गुड्स ट्रेन
पाँच 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 पाँच